डायना एक वर्णन करती है यहां के द्वादश ज्योतिर्लिंगों के बारे में, यहां के 52 शक्तिपीठों के बारे में। तो इसलिए इट हैज बीन ए पैशन, ए फैंटेसी, ए फैसिनेशन फॉर मेनी मेनी पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल्स। भारत ने दुनिया को योगदान दिया है, दुनिया के अन्य सभ्यताएं, राष्ट्र, जनसमुदाय जिस प्रकार अपने अपने किसी न किसी प्रकार के योगदान मानवता के लिए, मानव कुल के लिए दिए हैं, भारत हमेशा इसमें आगे रहा है। एंड यू आस्क ए क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, एंड ऑल द यंगस्टर्स विल डेफिनेटली से इट इज जीरो एंड नो कंट्रीब्यूशन, इज इट? नो, इट जीरो इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया। मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक, विल ड्यूरेंट सेज, वन ऑफ द फेमस हिस्टोरियंस द वर्ल्ड हैज सीन, विल ड्यूरेंट ने कहा संस्कृत इज द ऑरिजिन ऑफ आवर लैंग्वेजेस। वी वोट इंडिया फॉर आवर डेमोक्रेसी बिकॉज ऑफ इंडियाज पंचायत सिस्टम। वी हैव टेकन क्लू फ्रॉम बुद्धिज्म ऑफ इंडिया फॉर आवर क्रिश्चियनिटी। इंडिया इज द क्रेडल फॉर आवर ग्रामर, इंडिया इज द क्रेडल फॉर आवर मैथमेटिक्स। इन एवरी सेंस इंडिया इज द मदर ऑफ अस ऑल, इंडिया हमारे लिए जगत जननी है, हम सबकी मां है। विल ड्यूरेंट द अमेरिकन हिस्टोरियन राइट्स। तो इस प्रकार भारत के योगदान के बारे में, भारत के महानता के बारे में कितने ही लोगों ने कहा है। मार्क ट्वेन ने कहा इंडिया इज द मदर ऑफ आवर कल्चर, इंडिया इज द मदर, ग्रैंड मदर ऑफ आवर लेजेंड्स, इंडिया इज द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ आवर ट्रेडिशंस। तो इसलिए जीवन के हर क्षेत्र में, मनुष्य के जीवन के हर आयाम में भारत के योगदान तो है, बट दिस इज पास्ट। लेकिन अभी 10,000 वर्षों के इतिहास भारत के हैं, ऐसे नवरत्न राजाराम और डेविड फ्राले दो लेखकों ने अक्षरधाम से प्रकाशित 10,000 ईयर्स ऑफ कल्चरल हेरिटेज इस पुस्तक में लिखते हैं। 10,000 ईयर्स ऑफ कल्चर, व्हेन वी से इंडिया, विच आवर इंडिया, इट्स जियोग्राफिकल इंडिया, पॉलिटिकल इंडिया, कल्चरल इंडिया। Dr. S. Radhakrishnan was the president of India, was the editor of a series of books, volumes of books published by Ramakrishna Mission, Cultural Heritage of India. There he writes, when we say India, it is not the India of political or geographical India. It crosses the political boundaries and the political suzerainty. It is the cultural India that we refer to. तो इसलिए भारत आज जो इंडिया कहते हैं उसके अंदर सीमित समेट नहीं है। तो इसलिए भारत अपने आप में आज के भारत से भी एक विशाल भूमि क्षेत्र में अपने आप को पाता है। लेकिन हम आज के इंडिया के बारे में ही सोचे तो भारत के एक इसके आइडेंटिटी, जैसे मैंने सेक्रेट जियोग्राफी के संदर्भ में कहा, उसके रिव्यू के लिखते हुए मीरा नंदा द ऑथर हैज रिटन द गॉड मार्केट। शी सेज ग्लोबलाइजेशन हैज ब्रॉट, हैज मेड इंडिया रिचर एंड टू सम एक्सटेंट मटीरियलिस्टिक, बट इट इज ऑल्सो मेकिंग हर मोर रिलीजियस। ग्लोबलाइजेशन हैज बीन गुड फॉर गॉड्स, दैट इज हर कॉमेंट। एज इंडिया इज लिबरलाइजिंग एंड ग्लोबलाइजिंग इट्स इकोनॉमी, the country is experiencing a rising tide of popular Hinduism which is leaving no social segment and no public institution untouched. India has 2.5 million places of worship but 1.5 million only schools, 75,000 hospitals. Last 2-3 years
ऑल अवर पैकेज टूर्स 50% ऑफ देम वाज पिलग्रिमेज एंड रेस्ट वाज प्लेजर ट्रिप्स. बालाजी टेंपल वाज विजिटेड बाय 23 मिलियन विजिटर्स whereas Vaishno Devi had 17 million devotees. So this is an example. But on the other side, India has the variety, the diversity, 1652 languages, dialects, more than 15 scripts, and 1.125 crores of population. India ki visheshtaen bahut sare hain. Kina Bharat ke bare mein samajhte samay hame kuch baaton ke bare mein zarur sochna chahiye. Bharat ki visheshtaen kya hai? Unity in diversity is one of its foremost identity. Vividhita mein ekata, ye Bharat ki visheshta hai. Kitne prakar ki bhashaen vishw ke kai prakar ke jo pant sampradaya hain unme se bahut badi sankhya ke pant sampradayon ke janmabhoomi Bharat hai. और कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम के बारे में भी उसके ऑरिजिन भारत है ऐसे लोग कहते हैं, जैसे हजरत मोहम्मद पैगंबर के मां ग्रैंड मदर वो भारत से गई थी कहते हैं. इतिहास कितने सच है मुझे मालूम नहीं. जीसस क्राइस्ट इन हिज लाइफ 12 to 15 ईयर्स नोबडी नोस वेयर ही वॉज एंड देर आर अनथीन नंबर ऑफ बुक्स विच एक्सप्लेन टू गिव डिटेल्स that Jesus Christ lived in India during those missing years of his life, 12 to 15 years. Bharat ki visheshta ye vividhata hai. Itne prakar ke diversity, itne variety hone ke baad bhi Bharat ek hai. Wo Kargil ho, cricket ho, kumbh ho. Bharat ke log ek voice se, ek awaaz se khade hote hain. भारत में 3000 से सारे जातियां हैं. भारत के अंदर जाति प्रथा है, छुआछूत है. एक दूसरे से को छूने के लिए आज भी गांवों में शायद लोग तैयार नहीं होते. जाति भावना और जाति के आचरण आज भी हैं, लेकिन वही लोग जब गंगा के तट पर कुंभ मेला में एकत्र आते हैं लाखों की करोड़ों की संख्या में, दे लिव एज वन फैमिली. What an amazing thing. Who has planned, who designed these things of Kumbh Melas and pilgrimages, pilgrimage. These pilgrimages and Kumbh Melas, they have kept India united for millennia. A unity in diversity Bharat ke aisi visheshta hai. Isliye sanskritik ekatmata, one nation, one people, one culture, यह बार बार अनुभव में आता है. हिंदुस्तान की सेना इसकी एक पहचान है. भारत के क्रिकेट इसके एक मॉडर्न एपिटोमी है.